कोरोना काल में एक तरफ जहां कई सारी कंपनियों का दिवाला निकल रहा है, कारोबार चौपट हो रहा है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन पर दिन ऊंचाइयां छू रही है। आज का दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। आज रिलायंस ने वो करके दिखा दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ। रिलायंस ने मुकेश अंबानी को आज दुनिया का पांचवा सबसे अमीर शख्स बना दिया। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति अब 74 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। इससे पहले जून में मुकेश अंबानी ने दुनिया के शीर्ष 10 अमीर व्यक्तियों की सूची में एंट्री मारी थी। तब अंबानी ने हैथवे बर्कशायर के वॉरेन बफे का स्थान लिया था, जो कि 8वें पायदान पर थे। दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी पूरे एशिया महाद्वीप से इकलौते व्यक्ति हैं। दरअसल आज मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने एक बार फिर धमाल मचाते हुए निवेशकों को मालामाल कर दिया और अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। आज के कारोबार में शेयर करीब 1.7% मजबूत होकर 2000 के पार निकल गया। शेयर ने आज 2010 का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसके साथ ही रिलायंस का मार्केट कैप भी बढ़कर 12.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 23 मार्च के बाद से देखें तो आज 4 महीने में शेयर में 132% की तेजी रही है। 23 मार्च को शेयर कोरोना वायरस के चलते 867 रुपए के स्तर पर आ गया था, जो कि एक साल का सबसे लो था। कोरोना वायरस महामारी के चलते शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, जिससे रिलायंस भी प्रभावित हुआ था। लेकिन उसके बाद जियो में निवेश का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे रिलायंस के शेयरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 30 जुलाई को रिलायंस अपने तिमाही नतीजे भी जारी करने वाला है। इससे पहले कंपनी 24 जुलाई को नतीजे जारी करने वाली थी। एक महीने से भी कम समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ग्लोबल सर्च इंजन गूगल के जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था। इसके बाद जियो प्लेटफॉर्म में गूगल को 7.7% हिस्सेदारी मिलेगी। जियो में निवेश करने वाली गूगल 14वीं ग्लोबल कंपनी है। आज शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई थी। सेंसेक्स 25.68 अंक यानी 0.07% ऊपर 37,956 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी 7.10 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 11,169 के स्तर पर खुला था। खास बात यह है कि जहां एक तरफ बाजार सुस्ती के मूड में रहा, तो वहीं रिलायंस का शेयर धमाल मचा रहा था। 14 हफ्ते से भी कम समय में जियो ने 14 ग्लोबल कंपनियों के साथ 15 सौदों के जरिए रिलायंस ने 1.52 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। रिलायंस जियो ने नए 5G टेक्नोलॉजी के लिए दूरसंचार विभाग से स्पेक्ट्रम मांगा है। पिछले हफ्ते अपने एजीएम में रिलायंस ने ऐलान किया था कि गूगल ने जियो के साथ मिलकर सस्ते स्मार्टफोन बनाने का फैसला किया है।